हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। एक बहुत घना जंगल था। उस घने जंगल में पशु पक्षियों के अलावा जमीन के नीचे इच्छाधारी नाग नागिन का एक जोड़ा रहता था। उसमें से नागिन गर्भवती थी। वो कुछ ही दिनों में एक प्यारे से बच्चे को जन्म देने वाली थी। दोनों अपने आने वाले बच्चे को लेकर बहुत खुश थे। एक दिन जब नागिन विश्राम कर रही थी, मैं बहुत खुश हूँ बेटा कि तुम बहुत जल्द इस दुनिया में आने वाले हो। मुझे ये भी पता है कि तुम बहुत खुश हो और तुम भी इस दुनिया में आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। जब तुम इस दुनिया में आओगे तो हम साथ मिलकर इस दुनिया की सैर करेंगे। आपको नहीं पता, ये संसार बहुत खूबसूरत है और यहाँ के सभी प्राणी भी बहुत अच्छे हैं। आपको उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। अरे अरे, तुम माँ बेटा तुम मुझे ही भूल गए। मुझे भी अपने बच्चे का बेसब्री से इंतजार है। देखा बेटा अपने पापा को, मुझसे ज्यादा इन्हें आजकल तुम्हारी फिक्र हो रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है अब मुझसे ज्यादा ये तुम्हें प्यार करते हैं। ऐसा भी कभी हो सकता है भला, मानो या ना मानो, मैं तुम दोनों को ही बहुत प्यार करता हूँ। देखा, बातों बातों में मैं तुम्हारा खाने का इंतजाम करना भूल गया। मैं अभी तुम्हारे खाने का इंतजाम करके आता हूँ। इस तरह वो नाग अपनी गर्भवती पत्नी के खाने का इंतजाम करने घने जंगल की ओर चल दिया। वहीं दूसरी ओर शंभू नाम का एक सपेरा सांपों का खेल दिखाकर पैसे कमाता था। इधर कई दिनों से उसकी कुछ खास आमदनी नहीं हो रही थी, इसलिए वो बहुत परेशान था। आज केवल 50 रुपए ही हाथ लगे हैं। शायद अब सांपों का खेल देखने में लोगों को दिलचस्पी नहीं रही। अब तो भीख मांग कर गुजारा करना पड़ेगा। शुभ शुभ बोलो जी, अभी समय खराब चल रहा है, देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं वो दिन कब आएगा। जी में आता है इन सब सांपों को शहर ले जाकर बेच आऊं। सुना है शहर में लोग सांपों के जहर से तरह तरह की दवाइयाँ बनाते हैं। वो तो ठीक है, मगर तुम तो अपने सांपों का जहर पहले ही निकाल कर बेच चुके हो, अब इनको कोई नहीं खरीदेगा। मैं आज से ही पास के जंगल में नए सांपों की तलाश शुरू कर देता हूँ। इतना कहकर शंभू भी अपनी झोपड़ी से निकल पड़ा। उसने जंगल में जाकर बीन बजाकर सांप की खोज करनी शुरू कर दी। उस बीन की धुन सुनकर उस इच्छाधारी नाग का अपने ऊपर वश नहीं रहता। वो मदहोश होकर अपने नाग रूप में आकर सीधा सपेरे के पास जाकर रुकता है। हे मानव, मुझे छोड़ दे, मैं तो एक साधारण सा नाग हूँ। मुझे पकड़ने से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, मुझे जाने दे। घर पर मेरी गर्भवती पत्नी अकेली मेरा इंतजार कर रही है। मगर शंभू उसकी एक बात नहीं सुनता और उस सांप को कैद करके अपने घर ले आया। अरे भगवान, देखो तो कैसा अद्भुत सांप आँख लगा है। गौरी वहाँ आती है और शंभू उसे सारी बात बताता है। सारी बात सुनकर गौरी को गुस्सा आ जाता है। जाओ इस सांप को जल्दी बाहर छोड़कर आओ, ताकि ये अपने घर लौट सके और इसके साथ ही बाकी सांपों को भी जंगल में छोड़ाओ। बहुत हो गया इन बेजुबानों पर अत्याचार। मगर शंभू उसकी बात मानने को तैयार नहीं हुआ और उसने उस नाग को अपने घर में कैद कर लिया। उधर उस नाग के बांबी में उसकी गर्भिणी नागिन। उफ, इनको कितनी देर हो गई, अभी तक आए क्यों नहीं? पहले इतनी देर तो कभी नहीं लगाते थे। कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई इनके साथ, मुझे जाकर देखना चाहिए। इतना सोचकर वो गर्भिणी नागिन अपने नाग को ढूंढने निकल पड़ी। अपने नाग की गंध का पीछा करते करते वो शंभू की झोपड़ी तक पहुंच गई। उनकी गंध यहाँ पर आकर खत्म हो रही है और इस घर से कई अन्य सांपों की गंध भी आ रही है। जरूर ही ये घर किसी सपेरे का है, मेरे स्वामी भी यहीं कैद हैं। नागिन अभी ये सोच ही रही थी कि वहाँ शोर मच गया। शंभू और उसकी पत्नी घबराए हुए लोगों से पूछ रहे थे। उनका बेटा राजू गायब था, उसका घर या आसपास कोई पता नहीं था। हाय मेरा बच्चा कहाँ चला गया, अरे कोई तो उसे ढूंढ कर ला दो, हाय मेरा बच्चा। लगता है उसी सपेरे का बच्चा खो गया है। अच्छा हुआ अब इसे पता चलेगा कि किसी से बिछड़ने का गम क्या होता है।
मुझे ज्यादा देर ऐसे खुले में नहीं रहना चाहिए। अभी मैं घर जाती हूँ, वहीं जाकर अपने पति को छुड़ाने की कोई योजना बनाती हूँ। इतना कहकर नागिन वहाँ से चल पड़ती है। उसका घर गांव की सड़क के दूसरी तरफ जंगल में पड़ता है। जब वो सड़क तक पहुँची तो उसने देखा कि वहाँ कोई 4-5 साल का बच्चा सड़क के बीचों बीच खेलने में मशगूल था। इस बीच सड़क पर ये बच्चा क्या कर रहा है? यहाँ इस तरह से खेलना कितना खतरनाक है। आखिर ये बच्चा है किसका? कहीं वो सपेरे का बच्चा तो नहीं? तभी नागिन देखती है कि दूसरी तरफ से एक बड़ा सा ट्रक बहुत ही तेजी से बच्चे की तरफ बढ़ रहा होता है। अरे ये बच्चा तो कुचल जाएगा, अच्छा सबक मिलेगा उस सपेरे को। मगर बच्चे की प्यारी सूरत देखकर नागिन का मन पिघल गया। आखिर वो भी तो माँ बनने वाली थी। उसके दिल में ममता ने जोर मारा। गाड़ी बड़ी तेजी से बच्चे के पास आ रही थी। ये देख नागिन ने झटपट अपनी पूंछ से बच्चे को उठाया और सड़क के एक ओर फेंक दिया। लेकिन ऐसा करने से नागिन बुरी तरह घायल हो जाती है और उसका बच्चा वहीं गर्भ में मर जाता है। माँ, माँ, ये तुम्हें क्या हो गया है माँ? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो माँ? और तुम्हारे शरीर से ये खून कैसा बह रहा है माँ? मुझसे तुम्हारी ये हालत बिल्कुल भी देखी नहीं जाती। रुको माँ, रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ। नागिन अपने बच्चे को आत्मा के रूप में देखकर बहुत दुखी हो गई। उसकी आंखों से टपटप आंसू गिर रहे थे। उस एक्सीडेंट को देखकर आसपास के गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। उस नागिन के बच्चे की आत्मा उन गांव वालों के पास जाकर मदद की गुहार लगाती है। सुनिए सुनिए, मेरी माँ को बचा लीजिए, वो कुछ बोलती नहीं है, उसे बहुत चोट आई है, हम पर दया कीजिए, उसकी जान बचा लीजिए। ये कहकर वो बच्चा एक एक गांव वाले के पास जाकर सहायता की भीख मांगने लगा। लेकिन उस नागिन के बच्चे को ना कोई देख पा रहा था और ना ही उसकी आवाज़ गांव वालों तक पहुंच पा रही थी। इतना गिड़गिड़ाने के बावजूद कोई उसकी सहायता नहीं कर रहा था। वो बच्चा थक हार कर अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाता है। मेरा छोटा सा भोला बच्चा, तुम कितने भोले हो, मुझे माफ कर देना मेरे बच्चे, तुम इस दुनिया को भी नहीं देख पाए, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम मर चुके हो। मैंने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें कभी एक आत्मा के रूप में देखूंगी। हे भगवान, तू मुझे भी उठा ले, मैं अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकती। इतना कहने भर के साथ ही वो इच्छाधारी नागिन भी मर जाती है। ये तुम्हें क्या हो गया है माँ? तुम्हारा शरीर तो जमीन पर है, फिर तुम यहाँ कैसे खड़ी हो माँ? और अब तुम्हारे शरीर पर कोई घाव भी नहीं है। हम मर चुके हैं मेरे बच्चे, और हम उस दुनिया को छोड़कर इस नई दुनिया में आ गए हैं। हमारा ये हाल उस सपेरे के बच्चे को, जिसने तुम्हारे पिता को कैद कर रखा है, बचाते बचाते हुआ है। तो फिर तुमने उसे क्यों बचाया माँ? वो तो कितने गंदे आदमी का बच्चा है। इंसानियत के नाते उस सपेरे ने अपनी इंसानियत खो दी है, मगर हमारे दिल में तो अभी भी दया और ममता जिंदा ही है ना बेटा। इतने में ही वहाँ शंभू और गौरी भी आ जाते हैं। उन्हें शंभू का बच्चा सड़क पर खेलता मिल जाता है। सड़क पर गाड़ी के घिसटने के निशान और पास पड़े नागे मृत शरीर को देखकर वे सब कुछ समझ जाते हैं। देखा, जिन बेजुबानों पर तुम अत्याचार करते हो, आज उन्होंने ही हमारे बच्चे की जान बचाई है। अगर तुम में जरा भी इंसानियत बाकी है तो जाकर आजाद कर दो सभी सांपों को और बंद करो उनका तमाशा दिखाना। शंभू की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कुछ बोल न सका, बस उसने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी।